हे एवरीवन, कैसे आप सभी। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ, डोरिस क्रिएटिविटी चैनल पे। आई होप आप सभी कोई बहुत अच्छे होंगे। तो एक और कैंडल वीडियो के साथ जुड़ रही हूँ आप लोगों के साथ गाइस। और अभी मैं आज इस टाइप से छोटा छोटा बोल बहुत ही सुंदर सा क्यूट बोल में बनाने वाली हूँ। अभी मुझको जहाँ पे दिखता है सब मैं सारा उठा के लेके आ जाती हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अभी चल रहा है मेरा दुकान में। मेरा कस्टमर लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं ये सब बाटी बोल सब में गाइस। तो ये सब में तो है ही है, बट मेरे पास लास्ट संडे सारा चीज़ ख़त्म हो गया और भी खोज रहे थे। तो मैं क्योंकि लास्ट टाइम उतना ज़्यादा नहीं बना पाई थी ये सब में, क्योंकि बहुत सारा ऑर्डर था दूसरा लोग का भी, तो मुझको देना था, तो ये सब में बनाने के लिए उतना टाइम नहीं मिला था। तो ये सब में भी बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो अभी मेरे पास चार पांच जो भी है उसमें मैं बना कर रखती हूँ, क्योंकि मुझको कल परसों एक जन को पिलर कैंडल के साथ ये भी चार बोल देना है। तो ये सबको अभी बना कर रखती हूँ, फिर एक दो दिन बाद मार्केट जाके फिर बहुत सारा लेके आना है मुझको ये बोल सब, फिर बना के रखूँगी। उसके बाद बाहर भी जाने वाला है मेरा, ये संडे को मेरा कैंडल बाहर जाने वाला है, तो सबके लिए रेडी कर रही हूँ। फिर इस महीना बहुत ही ज़्यादा प्रोग्राम सब है गाइस, तो उसके लिए मैं सारा रेडी कर रही हूँ। तो सबसे पहले अभी जो ज़्यादा डिमांड है तो उसी को बना रही हूँ। दूसरा तो मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत स्टॉक किया है, फिर कार्टून वगैरह में मैंने पैक करके रख दिया है गाइस। तो इस टाइप से मेरा काम का चल रहा है। और यहाँ पे आज मैं ये वाला बोल मैं ग्लिटर से बनाने वाली हूँ, और ग्लिटर के लिए भी मैं आगे आप लोगों से बात करने वाली हूँ। तो चलिए फिर बने रहिए आज के इस वीडियो में। गाइस कुछ बोल ये बच्चा है मेरे पास, इसी सब मैं बनाऊँगी। और ये वाला दो ग्लास में भी जो बना के मुझे ऑफ वाइट में देना है तो इसको भी बना लेती हूँ। साथ साथ ये चार बाटी जो देख रहे हैं छोटा वाला बोल वाइट वाला, इसको भी देना है। और उसके साथ साथ ये भी मेरे पास चार ही बचा था तो मैं इसमें बना लेती हूँ। और ये छोटे छोटे फ्लावर जो देख रहे हो इसको मैं छोटा वाला छोटा छोटा सिलिकॉन मोल्ड में बनाई हूँ गाइस। तो यहाँ पे सबसे पहले विक्स को डिप कर लेंगे, और ये वाला विक्स को ना धागा को मैंने बनाया है। तो धागा बनाने के बाद इस टाइप से मोटा करके पतला धागा में मैंने बनाया है ये, मैंने वैक्स में गरम वैक्स में डीप कर करके बनाई हूँ। तो आगे दूसरा दिन मैं ये वाला प्रोसेस भी दिखाऊंगी किसी और दिन। तो यहाँ पे गरम करने के बाद वैक्स को इस स्टेप से धागा को डीप कर लेने से कंटेनर को यहाँ पे चिपक जाएगा। तो इस स्टेप से करके सबसे पहले यहाँ पे डाल देती हूँ मैं गरम गरम वैक्स को। उसके बाद मैं ये वाला कॉफ़ी का गिलास सही से ले डाल रही हूँ, क्योंकि इधर उधर ना मैंने पड़े, डायरेक्ट यहाँ पे इस टाइप से गिलास वगैरह में डालने से अच्छा से जाता है, नहीं तो इसका गिलास के चारों ओर इस टाइप से फैलने से गंदा दिखता है। इसलिए इस टाइप से डालेंगे तो आप मैंने अच्छा से एक जगह ही जाएगा, ये पूरा चारों ओर नहीं फैलेगा। तो फर्स्ट मेरा ग्लास वगैरह तो इसको मैंने बना लिया है, तो ये सूखने को अभी टाइम है। तो इसको हल्का से साइड करती हूँ और इसको छूना नहीं है, नहीं तो आप ज़्यादा इसको इधर उधर करेंगे तो ये चारों तरफ फैल जाएगा, अच्छा नहीं दिखेगा गाइस। तो उसके साथ नेक्स्ट मैं ये वाला बाटी को जो मुझको डिलीवर करना है तो इसको मैं बना रही हूँ। इसमें भी सेम प्रोसेस कर रही हूँ, डिप करके इसमें वैक्स में गर्म वैक्स में इस टाइप से विक कंटेनर के साथ चिपका देंगे, जैसे कि ये सेंटर में ही रहे धागा। तो यहाँ पर देखिए इस टाइप से सेम कलर ही मैं ले रही हूँ, और ये जब सूखेगा तो ये इतना कलर नहीं दिखेगा, हल्का यहाँ पर येलो लग रहा है, बट अभी जब सूखेगा तो थोड़ा ये वाइट टाइप से दिखेगा। तो चलिए फिर आगे के वीडियो में बने रहिए गाइस। सो गाइस इसको भी थोड़ा देर रख देते हैं सूखने के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं सुखाना है, थोड़ा हल्का ये जम जाएगा, उसके बाद ही ग्लिटर डालूंगी। हे गाइस, तो आज मैं इन सब ग्लिटर्स भी यूज़ करने वाली हूँ कैंडल पे। और ग्लिटर वाला कैंडल वीडियो में मेरा क्वेश्चन आया था, मैंने कमेंट आया था कि ग्लिटर जलाने से मैंने ग्लिटर डालने से अच्छा से नहीं जलता है, तो उसी को आज मैं क्लियर करने वाली हूँ, क्योंकि ग्लिटर भी बहुत टाइप से मिलता है गाइस। आप लोग जब भी ग्लिटर लेते हो तो ये देखिए ये महीन वाला लीजिए, बहुत ही ज़्यादा ये मैंने बहुत ही ज़्यादा महीन है। और इसमें ना एक टाइप से ग्लिटर होता है जो कि बालू रहता है, वो मोटा वाला जो होता है उसमें बालू होता है, तो वो नहीं जलता है, क्योंकि धागा में चिपक जाने से ऑब्वियसली कोई भी कैंडल नहीं जलेगा। तो इसीलिए अब जब भी ग्लिटर ले रहे हो तो सस्ता पे मत जाइए, थोड़ा अच्छा दाम का लीजिए, और दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग है ये वाला ग्लिटर। तो जब भी अब ग्लिटर खरीदेंगे गाइस बहुत ही अच्छा देख के खरीदिए। और उसमें जब मोटा वाला होता है ना, वो अभी मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं उसको दिखा लेती,
तो जो मोटा वाला ग्लिटर होता है कम दाम का, उसमें हल्का ही वो इस टाइप से चमक रहती है और ज़्यादातर उसमें बालू ही रहता है, तो इसलिए वो वाला कभी भी नहीं जलेगा, कैंडल को उल्टा ख़राब कर देगा। तो जब भी आप ग्लिटर से बना रहे हो तो अच्छा वाला ग्लिटर लीजिए मार्केट से, उसके बाद बनाइए, तो डेफिनेटली आपका कैंडल बहुत ही अच्छे से जलेगा और कोई कंप्लेंट भी नहीं आएगा। तो ग्लिटर वाला वीडियो में मैं ग्लिटर में एक दो मेरा वीडियो है, कैंडल वीडियो में ज़्यादातर कमेंट आता है कि ग्लिटर डालने से नहीं जलता है, तो ये वैसे बात नहीं है। मैं सारा चीज़ टेस्ट करके ही बनाती हूँ, जब बनाने के बाद खुद जलाती हूँ, खुद एक्सपेरिमेंट करती हूँ, उसके बाद ही मैं मार्केट में देती हूँ गाइस। नहीं तो मेरा तो एक दिन का बिज़नेस नहीं है, मेरा डेली का बिज़नेस है, तो मैं आज खराब दूँगी कस्टमर लोग को तो कल तो वो लोग मेरे दुकान में आके मुझको कंप्लेन करेंगे ही। तो इसलिए मैं पहले ही सारा चीज़ को, जब भी कुछ बनाती हूँ कैंडल, कोई भी कैंडल, तो मैं घर में पहले एक्सपेरिमेंट करती हूँ कितना घंटा जलता है, कैसे उसका बर्निंग है, सारा चीज़ मुझको उसको देख के फिर मैं कस्टमर को एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये रहा ग्लिटर के बारे में जो कि मुझको बताना चाहिए था। तो चलिए फिर बनाते हैं आगे का वीडियो। सो गाइस यहाँ पे देखिए ये सेट हो गया है, बहुत ज़्यादा नहीं सूखा है, ये गर्म ही है ऊपर से जस्ट, क्योंकि मैंने फ़ैन चला दिया था तो ये सेट हो गया है। तो गर्म डालने से क्या है, ग्लिटर भी चिपकेगा, ऊपर से कुछ और डेकोरेट करेंगे तो वो भी कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर का ग्लिटर लिया है, तो यहाँ पे देखिए आप हल्का भी डाल सकते हो, आप ज़्यादा भी डाल सकते हो, बट यहाँ पे मैं थोड़ा ज़्यादा ही डाल रही हूँ क्योंकि ये वाला ग्लिटर अच्छा है। देखिए इसमें ज़्यादा बालू नहीं है, ये जस्ट ग्लिटर ही है और ये मैंने बहुत ज़्यादा नहीं चिपक रहा है, ये आराम से निकल जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये जब मैं बनाऊंगी उसके बाद आपको मैंने जला के, तो ये वाला कैंडल में मैं नहीं दिखाऊंगी, हालांकि मैंने कैंडल दूसरा में बना के मैंने जला के ट्राई ऑलरेडी कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए स्टेप से ये ग्रीन एंड गोल्डन कलर का मैं यहाँ पर ग्लिटर डाल रही हूँ। तो गाइस आप चाहे तो इस टाइप से प्लेन में ही रख सकते हो ग्लिटर डाल के। तो मैं यहाँ पे मेरे पास छोटे छोटे जो फ्लावर है, ये वैक्स का ही फ्लावर है जो कि मैंने सिलिकॉन मोल्ड में बनाया हुआ है, तो ये सबको भी डाल दे रही हूँ ऊपर से, क्योंकि मेरा कस्टमर लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं ये वाला डिज़ाइन को। तो इसे ये ऑप्शन है, आप लोग के पास नहीं है तो आप नहीं डालना चाहते हो तो नहीं भी डाल सकते हो, यही से भी अच्छा लग रहा है, बट मेरे पास जब है तो मैं डाल दे रही हूँ गाइस। सो ये वाला नेक्स्ट सेम आप पहले भी ये वाला वीडियो में दिखा चुकी हूँ, तो ये वाला मैं इसलिए मैं वीडियो को स्किप कर रही हूँ, सेम प्रोसेस में कर लेना है। यहाँ पे मैंने वाइट कलर का, मैंने कुछ भी कलर ऐड नहीं किया है, यहाँ पे मैं जस्ट वाइट ही डाली हूँ। तो यहाँ पे ये वाला वाइट ग्लिटर यहाँ पे डाल रही हूँ, सेम यहाँ पे ग्लिटर सेम प्रोसेस में डाल दे रही हूँ। तो वीडियो में बने रहिए, आगे का वीडियो देखिए गाइस।
हे एवरीवन, चलिए फिर आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का मेरा वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। जो लोग भी मेरे इस चैनल पर नया जुड़े हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।